नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। आज गंगा दशहरा का महास्नान पर्व है। इस मौके पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। दूर दराज से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कोरोना के 2 साल बाद ये स्नान होने जा रहा है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। देखिए खास रिपोर्ट। आज गंगा दशहरा का स्नान पर्व है। इस मौके पर उत्तराखंड की धर्मनगरी कहे जाने वाले हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार के हर की पौड़ी में स्नान कर रहे हैं। माना जाता है कि गंगा आज के दिन ही धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए श्रद्धालु इस पर्व को गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 16 जोन और 37 सेक्टर में विभाजित किया है। कोरोना के 2 साल बाद ये स्नान होने जा रहा है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है, इसलिए भारी भीड़ हरिद्वार में देखी जा रही है। मेरा नाम नीतू चौहान है और मैं दिल्ली से आई हुई हूँ। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा। आज क्या त्योहार है? आज गंगा पर्व है और ये आज के दिन ये पहाड़ों से आई हुई है गंगा जी, और इसकी आज बहुत मान्यता है। बहुत अच्छा। भीड़ कैसी है? बहुत भीड़ बहुत है, लोग अपने कोरोना का ज्यादा ख्याल रखे तो ज्यादा। आपको बता दें कि गंगा दशहरा स्नान को लेकर धर्मनगरी के होटल्स में बुकिंग लगभग फुल हो गई है। मंगलवार को ही 90% होटल और धर्मशालाएं फुल हो चुकी थी। इस बार गंगा दशहरा में 20 से 25 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली। वहीं सीओ सिटी शेखर शुआल का कहना है कि देर रात से अब तक 9 लाख श्रद्धालु गंगा स्नान कर अपने घर को लौट चुके हैं। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड के अलावा और घाटों पर भी श्रद्धालु लगातार गंगा स्नान कर रहे हैं। अभी तक हमारा ट्रैफिक भी सही चल रहा है और हमें लगता है कि इस बार का गंगा दशहरा का स्नान कुंभ मेले पड़ने वाले स्नान की संख्या को क्रॉस करेगा। पूरा जो हमारा मेला क्षेत्र है 4 सुपर जोन, 16 जोन और 38 सेक्टर में बांटा गया है। प्रॉपर हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं। सारे घाटों में मिला के, हर की पैड़ी, मालूदी, सबको मिला के अभी तकरीब 8 से 9 लाख लोग स्नान करके जा चुके हैं और आप देख रहे हैं लगातार भीड़ आ रही है। अन्य घाटों में भी यही स्थिति है और अनुमान है कि करीब 25 से 30 लाख के आसपास हमारी शाम तक भीड़ लगभग रहेगी।